अभी हमने देखा नंबर्स के कितने प्रकार होते थे, दो प्रकार, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें भी क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के भी नियम अलग अलग है, ठीक है। अब कौन किस नियम में क्या बताया गया है वो हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट जो रूल्स है वो क्या है, सिंगुलर शब्द के अंत में यस लगा के। काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे हम यस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है, ठीक है, बदल जाता है। उसमें ये दो चार शब्द देखिए, जैसे बुक है तो बुक में हमने क्या किया, बुक्स लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल बन गया। टेबल है तो टेबल में हमने एस लगा दिया। बनाना है तो बनाना में हमने क्या कर दिया, बनानास कर दिया। गर्ल है तो गर्ल्स कर दिया, ठीक है। हमारा पहला रूल्स यही कह रहा है कि सिंगुलर शब्द के अंत में एस लगाकर हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। तो बुक का मैंने बुक्स कर दिया, टेबल का टेबल्स कर दिया, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में एस लगा कर सिंगुलर से प्लूरल में बदल देना है, हमारा फर्स्ट रूल्स कह रहा है, ठीक है। अब सेकंड रूल्स क्या कह रहा है, सिंगुलर शब्द के अंत में ई एस लगाकर। हमने फर्स्ट में क्या किया, फर्स्ट रूल्स में लास्ट में एस लगा दिया, हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन गया, ठीक है। लेकिन सेकंड रूल्स हमारा क्या कह रहा है कि कुछ भी नहीं करना है, जो हमारा वर्ड है, जो हमारा शब्द है, उसके पीछे क्या कर देना है, ई एस लगाकर एक वचन को बहुवचन में बदल देना है। जैसे बॉक्स लिखा है तो बॉक्स में बॉक्सेस, ठीक है। हीरो लिखा है हीरोस, ठीक है। बेंच लिखा है बेंचेस, और फॉक्स लिखा है तो फॉक्सेस। हमने सब में क्या किया, ES लगा दिया, ES लगा दिया, ES लगाने से क्या हो गया, हमारा एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन हो गया, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया, ठीक है। अब हमारा थर्ड नियम क्या कह रहा है, Y के अंत में S लगाकर। कोई कोई वर्ड कैसे होते हैं जिनके लास्ट में Y आता है, जैसे डे हुआ, की हुआ, बॉय हुआ, जॉय हुआ, जिसमें क्या होता है, लास्ट में वाई आता है। तो वाई वाले वर्ड्स में भी क्या करना है, हमको कुछ भी नहीं करना है, वाई के अंत में हमें यस लगाकर सिंगुलर को प्लूरल में बदल देना है। जैसे डे लिखा है तो डे का डेज हो गया, की का कीस हो गया, बॉय है तो बॉयस हो गया, जो है तो जोएस हो गया। कुछ नहीं किया, वाई के बाद हमने यस लगाकर एक वचन को बहुवचन में बदल दिया। हमारा फोर्थ रूल्स क्या बोल रहा है, वाई के स्थान पर आईईएस में बदल देना है। वाई के स्थान पर मतलब क्या, जो हमने ऊपर लिखा थर्ड नियम में हमने क्या किया, वाई के बाद हमने एस लगा दिया, ठीक है। लेकिन हमारा फोर्थ रूल्स क्या बोल रहा है, वाई के स्थान पर मतलब क्या है, जैसे बेबी लिखा हुआ है, वाई को हमें क्या करना है, हटा देना है। Y को हटाकर Y के स्थान पे हमें क्या लिखना है, आई ई एस। जैसे बेबी लिखा है तो बेबीज, ठीक है। लेडी लिखा है तो लेडीज हो गया। आर्मी लिखा है आर्मीज हो गया। सिटी लिखा है तो सिटीज हो गया। हमने क्या किया, Y को हर जगह से क्रॉस कर दिया, मतलब हटा दिया है। Y की जगह पे हमने क्या कर दिया, Y को हटाकर Y की जगह पे IES जोड़कर एक वचन को दो बहुवचन में हमने बदल दिया है, ठीक है। फर्स्ट रूल्स में हमने क्या देखा, जो भी वर्ड हो उसके लास्ट में S लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में बदल दिया, ठीक है। सेकंड रूल्स में हमने देखा कि जो भी वर्ड से, जो भी शब्द उसके पीछे ई एस लगा दिया तो सिंगुलर से प्लूरल हो गया, ठीक है। थर्ड नियम हमारा क्या कह रहा है, वाई वाला जो वर्ड हो, जिस शब्द के अंत में वाई आता हो, उसके ब्लास्ट में एस लगाकर हमने एक वचन को बहुवचन में बदल दिया। फोर्थ रूल्स हमारे क्या कह रहा, वाई के स्थान पर, मतलब क्या, वाई को हटाकर उसके स्थान पर आई ई एस जोड़कर एक वचन से बहुवचन में हमको बदल देना है। हमारा पांचवा रूल्स क्या कह रहा है, एफ या एफ ई के बाद एस लगाकर हम सिंगुलर को प्लूरल में बदल सकते हैं। इसका पांचवा रूल्स हमारा क्या कह रहा है, चाहे वर्ड के अंत में एफ हो या एफ ई हो, क्या करना है, उसके आगे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एस लगा देना है। जैसे चीफ लिखा है तो चीफ्स, ओके। सेफ लिखा है सेफ्स। प्रूफ लिखा है प्रूफ्स। ग्रीफ लिखा है तो ग्रीफ्स। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एफ है या एफ ई है, उसके आगे हमने एस लगाकर सिंगुलर को प्लूरल में बदल दिया, ठीक है। अब
हमारे सिक्स रूल्स क्या बोल रहे हैं, F या FE को VES में बदल कर। ये क्या बोल रहा है, हमारे जो वर्ड है, शब्द है, FE हो या F हो, FE हो या F हो, क्या करना है उसको हटाकर, इसको क्या करना है, हमको हटाकर, इसमें क्या बोला है कि VES में बदल कर, इसको हटाएंगे, चाहे F लिखो FE लिखा उसको हटा के क्या करना है, VES जोड़ देना है। जैसे देखें, लाइफ विद लाई एल एल आई एफ ई है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एफ ई हटाना है, इसलिए एल आई वी ई एस लाइव्स हो गया, ओके। या हाफ है तो एच ए एल वी ई एस हाफ्स हो जाएगा, ठीक है। वाइफ है, वाइफ में भी एफ ई है तो एफ ई को हमें हटा के वाइफ्स कर देना है, ठीक है। यहाँ पे काफ है तो काफ को भी हटा, एफ को हटा के वी ई एस जोड़ देना है। इसमें क्या करना था, सिर्फ हमें एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाकर सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर देना था, ठीक है। अब हमारा सातवां रूल्स क्या कर रहा है, सिंगुलर के वोवल्स को बदलकर। सिंगुलर मतलब जो एक वचन का जो वर्ड है, शब्द है, उसमें क्या करना है, उसके वोवल्स मतलब स्वर को बदल कर हमें एक वचन से बहुवचन में उसको बदलना है। जैसे मैन लिखा है तो मैन हम इसके आगे या पीछे कुछ नहीं करेंगे। जैसे हमने आगे के जो रूल्स है उसमें देखे, किसी में एस लगाया, किसी में वी ई एस लगा दिया, पर इसमें क्या करना है, हमारे जो वो वर्ड है, शब्द है, उसके बीच में चेंजेस लाकर एक वचन को बहुवचन में बदलना है। जैसे मैन है तो मैन, यहाँ ए था, यहाँ हमने ई लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिक ही सिंगुलर से प्लूरल हो गया। वुमन है तो वुमन लिख देंगे, ठीक है, हमने यहाँ ए की जगह यहाँ पे ई लगा दिया, ठीक है। फूट है तो फीट लिखेंगे, टूथ है तो टीथ लिखेंगे, ठीक है। हमने इसमें आगे या पीछे कुछ नहीं किया, इसमें क्या किया हमने, बीच में चेंजेस लाकर एक वचन को बहुवचन में चेंज कर दिया। अब हमारा आठवां रूल्स है और ये लास्ट रूल्स है। ये क्या कह रहा है, कुछ नाउन्स कैसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं, उसमें किसी भी टाइप की कोई भी हमें परिवर्तन करने की जरूरत, चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे लिखा है डियर तो लिखा है डियर, सेफ लिखा है तो सेफ लिखेंगे, हेयर लिखा है तो हेयर लिख देंगे, पीस लिखा है तो पीस लिख देंगे, ठीक है। हमारा आठवां रूल्स क्या बोल रहा था कि आठवें रूल्स में ये बोल रहा है, कुछ मतलब वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, ठीक है। हमने क्या देखा, नाउन, नाउन की डेफिनेशन देख ली, उसके दो रूल्स टाइप्स देख लिए, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नियम्स देख लिए, रूल्स देख लिए, जिससे हमें ये पता चला कि हम एक वचन को बहुवचन में कैसे बदल सकते हैं।